हेलो दोस्तों, आज मैं हूं आउटडोर पे और आप देख रहे हैं गांगुली क्रिकेट गूगली। तो आज हम सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ी टीम की बात करेंगे, वो है CSK यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स। और आप देख सकते हैं तो चेन्नई सुपर किंग के बारे में हम क्या ही कहें भाई। उसकी कप्तान जो है पूरी बॉन्ड बना के रखी है 2008 से लेकर के 2020, MS धोनी, मतलब क्या ही बताएं, पूरी तरीके से फेमस है। अगर आप इसकी स्ट्रेंथ के बारे में देखते हैं तो स्ट्रेंथ इसकी ओनली एंड ओनली कैप्टन है। देखिए MS धोनी की कप्तानी, मतलब उसकी कप्तानी के ऊपर कोई और कप्तान है ही नहीं जो इसको कुछ करके दिखाए। अगर इस टीम की वीकनेस की बात करते हैं तो जी हाँ दोस्तों, इस साल वैसे तो खैर इसकी कोई वीकनेस है नहीं, लेकिन इस साल सुरेश रैना और हरभजन सिंह की जो पुल आउट है वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी सेटबैक है। अगर हम इसकी अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं तो ये एक ऐसा टीम है जिसके खिलाफ फाइनल बोलने को धावा बोला जाता है। अगर इस टीम की स्क्वाड के बारे में बात करते हैं तो आइए सबसे पहले देखते हैं जो रिटेन स्क्वाड है। मेरे पास पूरा चिट्ठा है और हम आपको पूरा एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए, जो इनकी रिटेन्ड है इससे तो बहुत बड़ी स्क्वाड है, इसको आप लेके कहीं भी जा सकते हो। तो ये टीम ना वैसे ज्यादा चेंजेस करते नहीं है अपने टीम में, और ये टीम एक ओल्ड इज गोल्ड टीम है, यानी कि सारे रिटायर्ड प्लेयर इनके मेन प्लेयर्स रहते हैं जो कोर ग्रुप होती है। तो आइए देखते हैं प्लेयर्स कौन कौन से रिटेन्ड है। अंबती रायडू, KM आसिफ, दीपक चाहर, ड्वेन ब्रावो, साफ दुप्लेसी, हरभजन सिंह, हालांकि हरभजन सिंह इस साल नहीं खेलेंगे IPL, इमरान ताहिर, जगदीश नारायण, कर्ण शर्मा, केदार जाधव, लुंगिसानी एनगिड़ी, मिशेल सैंटनर, मोनू सिंह, MS धोनी एज ए कैप्टन, मुरली विजय, रविंद्र जाडेजा, ऋतुराज गायकवाड़, शेन वाटसन, शार्दुल ठाकुर और सुरेश रैना, हालांकि सुरेश रैना भी इस साल नहीं खेलेंगे दोस्तों। और अगर इस टीम की अगर आप बात करते हैं ट्रेड, तो ट्रेड इस टीम की इस साल कोई नहीं है ट्रेड, सिर्फ क्योंकि इस टीम को ट्रेड करने की जरूरत नहीं है, चैंपियन टीम है। वैसे भी इनको 3 ट्रॉफीज मिल चुकी है, जो कि 2011 में मिली थी, 2018 में मिली थी और 2010 में मिली थी। अब हम बात करते हैं इस टीम के परचेस खिलाड़ियों की, तो परचेस खिलाड़ी अगर हम देखते हैं, इसमें 4 खिलाड़ी ऐसे हैं जो इस साल खरीदे गए हैं, जैसे कि पीयूष चावला हो गए, एम करण को हमने लेकर आया है, जोश हेजलवुड और साई किशोर। अब इस खिलाड़ी के लिए हम बात करेंगे 2 खिलाड़ी की बात, एक सुरेश रैना, एक हरभजन सिंह। सुरेश रैना पुल आउट किए और उनके रिप्लेसमेंट के बारे में सोचा जा रहा है, हालांकि एक खबर आई थी कि डेविड मलन वाज बीन रिप्लेस्ड बाय सुरेश रैना, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, डेविड मलन को रिप्लेस नहीं किया गया है सुरेश रैना की जगह। तो ऑप्शंस कौन कौन से हैं उनके लिए, ऑप्शन बन सकता है यूसुफ पठान, मनोज तिवारी, हनुमा बिहारी, ध्रुव शोरे और चेतेश्वर पुजारा, बट मोस्ट लाइकली हनुमा बिहारी और मनोज तिवारी में से किसी एक को मौका मिलेगा, क्योंकि वो दोनों में सक्षम बल्लेबाजी पावर है जो नंबर 3 खेल के दिखा सकता है। अब आगे हम बात करते हैं कि हरभजन सिंह की रिप्लेसमेंट कौन हो सकता है। देखिए हरभजन सिंह एक ऑफ स्पिनर है, अगर आप ऑफ स्पिनर की बात करते हैं उसमें रॉस्टन चेज सबसे पहला नाम आता है, नथन लायन ऑस्ट्रेलिया के दूसरा नाम, बांग्लादेश का एक ताबड़तोड़ ऑफ स्पिनर मेहदी हसन मिराज, ये हो सकते हैं ऑप्शन। बाकी हमारे डोमेस्टिक प्लेयर्स मुंबई के अक्षय वाखड़े और यूपी के केसी करियप्पा। अब अगर हम इस टीम की मोस्ट लाइकली प्रेडिक्टेबल प्लेइंग 11 की बात करें तो जी हाँ दोस्तों, प्रेडिक्टेबल प्लेइंग 11 में जैसा कि आमतौर पर इनकी कोर्ट प्रोसेस होती है, सेम एज यूजुअल रहेगा, शेन वाटसन, अंबती रायडू, ताज डुप्लेसी, महेंद्र सिंह धोनी, केदार जाधव, रविंद्र जाडेजा, ड्वेन ब्रावो, शार्दुल ठाकुर, दीपक चाहर, इमरान ताहिर एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट पीयूष चावला। तो दोस्तों अगर CSK के सबसे बड़े फैन आप हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और सब्सक्राइब के बाद कमेंट में अपना प्लेइंग 11 लिखकर भेज दें। थैंक यू सो मच।